गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आज सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। छतगण, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने अकबर के समय स्थापत्य कला के बारे में जाना था कि किस प्रकार से मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, बुलंद दरवाजा का स्थापना किया, तीन लाल किले बनवाए थे, आगरा का लाल किला, लाहौर का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला इत्यादि। आज हम लोग जानेंगे छतगण जहांगीर के समय स्थापत्य कला। हेडिंग बनाइएगा जहांगीर के समय स्थापत्य कला। ठीक है, जहांगीर के समय नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में आगरा में पानी के बीचों बीच इत्मादुदौला का मकबरा बनवाया था। इस मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारत में पहली बार किसी इमारत में पित्रा ड्यूरा शैली पिच्चा ड्यूरा शैली का उपयोग हुआ था। जिसके तहत बहुमूल्य पत्थरों पर रत्नों को लगाकर इसे दीवारों में स्थापित किया जाता था, जो बहुत ही सुंदर नजर आता था। नेक्स्ट, नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया था। जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। छतगण ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के समय में स्थापत्य कला क्या थी? छतगण, जहांगीर ने शालीमार बाग, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में जो बहुत ही सुंदर बाग बगीचे हैं का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की याद में इत्मादुदौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। इत्मादुदौला के मकबरे में पहली बार पिट्रा ड्यूरा शैली का उपयोग हुआ था। छतगण, पिट्रा ड्यूरा शैली क्या थी इसे आप जानिएगा। पिट्रा ड्यूरा शैली एक ऐसी शैली थी छतगण जिसमें संगमरमर बहुमूल्य पत्थरों पर रत्नों को जड़कर उसे दीवार में चिपका दिया जाता था। इतनी खूबसूरत लगती थी, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली शैली थी, जिसे बाद में ताजमहल में शाहजहां ने भी उपयोग किया था। छतगण, पिट्रा ड्यूरा शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा, भारतीय इतिहास में पहली बार पिट्रा ड्यूरा शैली का उपयोग किस इमारत में हुआ था? इत्मादुदौला के मकबरे में हुआ था। याद रखिएगा छतगण, पिट्रा ड्यूरा शैली क्या थी? बहुमूल्य पत्थरों पर रत्नों को जड़कर उसे दीवारों पर सजाना, स्थापित करना। ध्यान रखेंगे छतगण,
छगन, मुगल कालीन शासक जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। ध्यान रखेंगे छगन। छगन अगले बादशाह के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। लिखेंगे छगन, शाहजहां के समय स्थापत्य कला। छगन शाहजहां के समय स्थापत्य कला, हेडिंग बना लीजिएगा। हाँ, अब लिखिएगा छगन, शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में एक से बढ़कर एक अद्भुत इमारतों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहां पहला मुगल बादशाह था। नेक्स्ट, शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली कर दी थी। नेक्स्ट, शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें निम्न हैं। नंबर एक, ताजमहल। लिखेंगे छगन, आगरा में यमुना नदी के तट पर मोहब्बत के प्रतीक के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत का निर्माण सफेद संगमरमर से शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईशा खां थे। नेक्स्ट, ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे अर्थात 1631 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1631 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ तथा 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट, 1631 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई। जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट, ताजमहल में
पिच्चा ड्यूरा शैली शैली का उपयोग किया गया है। पिच्चा ड्यूरा शैली का उपयोग किया गया है गया है। नेक्स्ट, शाहजहां शाहजहां एवं मुमताज दोनों का मकबरा ताजमहल में ही है। ताजमहल में ही है। ताजमहल के लिए संगमरमर, ताजमहल के लिए संगमरमर पाकिस्तान के मकराना तट से पाकिस्तान के मकराना तट से हाथियों और ऊंटों में लादकर हाथियों और ऊंटों में लादकर मंगवाया जाता था नेक्स्ट नंबर दो लिखेंगे छात्रगण, ताजमहल के बाद दिल्ली का लाल किला लिखिए। इसका प्रारंभिक नाम किला ए मुबारक था। किला ए मुबारक था। इसके वास्तुकार हमीद एवं अहमद थे। नेक्स्ट, इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया था नेक्स्ट नंबर तीन, दिल्ली की जामा मस्जिद देखिए, लाल किले के ठीक सामने लाल पत्थरों से निर्मित दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था नेक्स्ट, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था नेक्स्ट, दिल्ली में शाहजहानाबाद नमक नया नगर शाहजहां ने बनवाया था तथा इसे मुगल साम्राज्य की
नई राजधानी भी बनाया था, बनाया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने मयूर सिंहासन सिंहासन या तख्ते ताऊस तख्ते ताऊस का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का निर्माण करवाया करवाया जिसमें विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा एवं अन्य बेशकीमती पत्थर लगाए गए थे लगाए गए थे। छटगन, यह है शाहजहां के समय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। यही कारण है छटगन कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। छटगन, जैसे ताजमहल बनवाया हो, दिल्ली का लाल किला बनवाया हो, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई हो, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई हो, शाहजहानाबाद नगर बनाया हो, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस बनाया हो जो मोर के आकार का था और इसमें कोहिनूर हीरे से लेकर के अन्य बेशकीमती रत्न आभूषण जड़े हुए थे, ऐसे ऐसे महान कलाकृतियों स्थापत्य कला के अद्भुत नमूनों का निर्माता शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाना कहीं से भी गैर अनुचित प्रतीत नहीं होता है। छात्रगण, ये बिल्कुल सही है। इसके कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहना बिल्कुल सही है, यह कहीं से भी गलत नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है। छटगन, ध्यान दीजिएगा छटगन, अपनी प्रिय बेगम जिससे शाहजहां बेनतहा मोहब्बत करता था, मुमताज महल की याद में या जुमन बानो बेगम की याद में 22 वर्षों तक लगातार बिना रुके बिना थके 24 घंटे 8-8 घंटे में 3 शिफ्ट काम करते थे इसके लेबर, 2400 घंटे काम करवा करके इसने 22 वर्षों में एक नायाब नमूना विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक 7 वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड ताजमहल का निर्माण आगरा के लाल किले आगरा के यमुना नदी के तट पर सफेद संगमरमर से करवाया था। छटगन, संगमरमर कहां से मंगवाता था? मकराना तट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ऊंट और हाथियों से लोड होकर के संगमरमर वहां से आते थे। छटगन, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईशा खान साहब थे। ध्यान रखिएगा, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईशा खान थे। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? 22 साल लगे थे। इसे मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है। ताजमहल के लिए संगमरमर कहां से आता था? मकराना तट से। किसकी याद में बनाया गया? मुमताज की याद में बनाया गया था। कब से कब तक बना? 1631 से 1653 तक। किस नदी के तट पे है? यमुना नदी के तट पर है। ध्यान रखेंगे छतगन, एक एक चीजों पर नजर, सब पर नजर और सबकी खबर, ये है कॉम्पिटिशन। ध्यान देंगे छतगन, छतगन, दिल्ली का लाल किला लाल पत्थरों से निर्मित किया गया था। हमीद और अहमद इसके वास्तुकार थे। यह भी अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। छतगन, दिल्ली का लाल किला बहुत ही खूबसूरत, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ध्यान रखिएगा छतगन, दूसरी बात जो आपको जाननी होगी, याद रखना होगा, मनन करना होगा और ध्यान देना होगा। छतगन, दिल्ली की जामा मस्जिद जो कि लाल किले के ठीक सामने में है, यह भी काफी विशाल है छतगन, इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया। आगरा के अंदर लाल किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। दिल्ली को पहली बार मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला शासक शाहजहां है छतगन, नहीं तो इसके पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? आगरा थी, है ना। तो आगरा को राजधानी से बदलकर, आगरा को से राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। छतगन, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को स्मरण करना होगा। छतगन, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, किसने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नया नगर स्वयं के नाम पर बनाया था और इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। छतगन, पूछेगा शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। कहां पर? दिल्ली में, है ना। छतगन, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस जो कि मोर के आकार का था,
इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। पूछेगा छात्रगण, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण नहीं करवाया? नंबर एक ताजमहल, नंबर दो लाल किला, दिल्ली का लाल किला, नंबर तीन मयूर सिंहासन, नंबर चार शाहजहानाबाद नगर, नंबर पांच दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद। छात्रगण, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने नहीं बनवाया था, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। छात्रगण ध्यान रखेंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत, फंसे तो गए। इसलिए छात्रगण आपको भी अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, अपने आप को संभाल के बचा के निकाल लेना है। ये छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा। तो शाहजहां के समय में स्थापत्य कला से जुड़े हुए हर पहलुओं पर पैनी निगाह रखेंगे, ध्यान देंगे, मनन करेंगे। अब हरी बनेगा औरंगजेब के समय स्थापत्य कला, औरंगजेब के समय स्थापत्य कला लिखे। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट तीर्थंकर, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण निर्माण करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट तीर्थंकर, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट तीर्थंकर, औरंगजेब ने अपनी पत्नी, औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी, उद्दौरानी या दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम की याद में, याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, बाद में ताजमहल जैसी इमारत बनाने का प्रयास किया, इमारत बनाने का प्रयास किया जिसे निम्न नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। नंबर एक, नंबर एक बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा। नंबर दो दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल। नंबर तीन ताजमहल की भोंडी या फूहड़ नकल, भोंडी या फूहड़ नकल, नकल ताजमहल की भोंडी या फूहड़ नकल, नकल। नेक्स्ट, औरंगजेब ने
औरंगजेब ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर की भी स्थापना की थी। छगन क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। लाहौर की बादशाही मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। बीवी का मकबरा, जिसे दक्षिण का ताजमहल, ताजमहल की भोंडी या फुआ नकल कहा जाता है, किसने बनवाया था? शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने बनवाया था। किसकी याद में? राबिया उद्दौरानी की याद में बनवाया था। ध्यान रखिएगा, राबिया उद्दौरानी की याद में बनवाया था। गौर करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से छात्रगण पूछा जाता है। पैनी निगाह रखिएगा, एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा। छात्रगण पूछेगा, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। छात्रगण ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए छात्रगण आपको पैनी निगाह रखनी होगी। और औरंगजेब से जुड़े हुए स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने, जिनमें औरंगाबाद, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, और उससे भी बढ़कर इंपॉर्टेंट बीवी का मकबरा, जिसे दक्षिण का ताजमहल, ताजमहल की भोंडी या फुहा नकल कहा जाता है, अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी या दिलदास बानो बेगम के नाम पर की याद में औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का ध्यान करें, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखेंगे, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। तो ये है छात्रगण मुगल कालीन स्थापत्य कला। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, मुगल कालीन चित्रकला। ठीक है, बाबर दर्शक लिखेगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद का वर्णन किया है। चित्रकार बिहजाद का वर्णन किया है, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। पूर्व का राफेल कहा जाता था। नेक्स्ट, हुमायूं, अगले शासक का नाम लिखेंगे हुमायूं। देखिए, इसने फारस अर्थात ईरान के दो प्रसिद्ध चित्रकारों मीर सैयद अली एवं अब्दुल सम्मद को ईरान के शाह अर्थात राजा से अनुरोध कर चित्रकला सीखने के लिए इन दोनों चित्रकारों को भारत बुलाया था तथा इन दोनों चित्रकारों को अकबर का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। अकबर का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया
नेक्स्ट देखिएगा, अकबर के समय चित्रकला, ठीक है, अकबर के समय 1200 चित्रों का संग्रह हजमनामा हजमनामा के नाम से तैयार किया गया था। नेक्स्ट, अकबर के समय निम्न प्रसिद्ध चित्रकार थे, नंबर एक दसवंत, नंबर दो बसावन, नंबर तीन विसनदास, दास इत्यादि। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण जहांगीर, लिखेंगे छात्रगण जहांगीर के कार्यकाल को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, जहांगीर स्वयं एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तथा चित्रकला का बेहद पारखी था। चित्रकला का बेहद पारखी था। नेक्स्ट तिरंगा, जहांगीर किसी भी चित्र को देखकर यह बता देता था कि चित्र के किस अंग को किन अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, नेक्स्ट, जहांगीर ने चित्रकार विसनदास को फारस या ईरान भेजा था। नेक्स्ट, जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने साइबेरिया के सारस का जीवंत चित्र बनाया था। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर-उल-अस्त्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, जहांगीर ने एक अन्य चित्रकार
अबुल हसन को, हसन को नादिर उस जमा नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी नेक्स्ट लिखेगा शाहजहां, ठीक है, शाहजहां को स्वयं का दैवीय चित्र बनवाने का शौक था नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण औरंगजेब, लिखे इसके समय चित्रकला का पतन का काल कहा जाता है। इसने आगरा में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में बने हुए चित्रों को चूने से पोतवा दिया था यह छतगन मुगल कालीन चित्रकला और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें एक एक चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक एक चीजों को आपको मनन करना है, एक एक चीजों को आपको याद रखना है। छतगन पूछेगा बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस चित्रकार का वर्णन किया है? बिहजाद का। बिहजाद को क्या कहा जाता था? पुरु का राफेल कहा जाता था। ध्यान रखेगा हुमायूं ने ईरान के शाह से किन दो चित्रकारों को भारत बुलवाया था और अकबर का प्रशिक्षक नियुक्त किया था? मीर सैयद अली अब्दुल समद को बुलाया था और अकबर का प्रशिक्षक नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा हजमनामा क्या था? मुगल कालीन 1200 चित्रों का संग्रह था। किस मुगल बादशाह ने तैयार करवाया था? अकबर ने तैयार करवाया था। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दसवन बसावन विशनदास किस मुगल शासक के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ध्यान रखेंगे छात्रगण किस मुगल शासक के कार्यकाल को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के कार्यकाल को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा मुगल शासक एक प्रसिद्ध चित्रकार भी था? जहांगीर एक प्रसिद्ध चित्रकार भी था। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का बेहद पारखी था? जहांगीर चित्रकला का बेहद पारखी था। और एक चित्र को यदि 10 चित्रकार मिलकर बनाते थे तो वह देखकर बता देता था कि किसने हाथ बनाया है, किसने पांव बनाया है, किसने चेहरा बनाया है, किसने और अंगों का निर्माण किया है। यह थी उसकी परख। जिस प्रकार हीरे की पहचान जौहरी को होती है, वैसे ही जहांगीर को चित्रकला की बेहद पहचान थी, बेहद पारखी नजर थी उसकी। पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह किसी एक चित्र को विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए जाने पर यह देखकर बता देता था कि चित्र के किस भाग को किस चित्रकार ने बनाया है? जहांगीर था, यह खासियत थी जहांगीर की। छात्रगण ध्यान रखिएगा जहांगीर ने ईरान के शाह के पास किसे भेजा था? किस चित्रकार को? विशनदास को भेजा था। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर ने साइबेरिया के सारस का जीवन चित्र बनाया था। साइबेरिया का सारस लगता था अब उठ के चलने लगेगा, यह चित्र था उस्ताद मंसूर, जो कि पशु पक्षियों के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। अबुल हसन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उस जमा की उपाधि दी थी। छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को स्मरण करें, एक एक चीजों को छतगन याद रखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं का इतना हिट क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
छगन, शाहजहां के कार्यकाल में चित्रकला का कोई विशेष विकास नहीं हो पाया क्योंकि वह स्थापत्य कला में ही उसका पूरा ध्यान केंद्रित था, लेकिन इसे दैवी आभा से युक्त अपने चित्र बनाने का बेहद शौक था, इसे आपको ध्यान रखना होगा। औरंगजेब के कार्यकाल में चित्रकला पतनोन्मुख हो गई, चित्रकला का पतन हो गया था छगन, चित्रकला जो है वह अवसान की ओर चली गई थी, क्योंकि औरंगजेब ने आगरा में सिकंदरा में स्थित जो मकबरा था अकबर का, वहां पर जो चित्र बने हुए थे उन चित्रों को नष्ट करवा दिया था। यह औरंगजेब के समय में चित्रकला के पतन का काल माना जाता है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छगन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छगन आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, मुगल कालीन चित्रकला का आज हम लोगों ने समापन किया है। अगली कक्षाओं में मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन संगीत, मुगल कालीन विदेशी यात्रियों का वर्णन हम लोग जानेंगे छगन। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।